I am S.K. Mishra and I welcome you to the Sharp Career. हंसना हंसाना, आप खुद ही सोचो, क्या हंसी के बगैर, हंसने हंसाने के बगैर कोई जिंदगी है? हंसना हंसाना ही जिंदगी है. To laugh माने हंसना, to make laugh माने हंसाना, to make others laugh दूसरों को हंसाना, to make द चिल्ड्रन लाभ बच्चों को हंसाना, इस तरीके से इसकी अंग्रेजी बनेगी. हंसाने की अंग्रेजी टू मेक लाफ है. इफ यू वांट टू लाफ सेंटेंस ही कितना जानदार है. आप देखें, यदि आप जिंदगी में हंसना चाहते हैं तो आप एक काम करें, दूसरों को हंसाना शुरू कर दें. इफ यू वांट टू लाफ मेक अदर्स लाफ, दूसरों को हंसाए बगैर, दूसरों को खुशी दिए बगैर आपको कभी खुशी मिल नहीं सकती. आप दूसरों को रुलाएंगे, आपको हमेशा रोना पड़ेगा. इफ दे वर लाफिंग लाउडली, वो बहुत जोर जोर से हंस रहे थे. माई अंकल ऑलवेज मेक्स मी लाफ, मेरे अंकल हमेशा मुझे हंसाते हैं. My uncle always makes me laugh. हमेशा मुझे हंसाते हैं. It is very good to make the children laugh. It is a virtue. पुण्य का काम. Virtue माने पुण्य का काम. It is very good to make the children laugh. It is a virtue to make the children laugh. पुण्य का काम है बच्चों के होठों पे मुस्कुराहट ला देना. इससे बड़ा पुण्य का काम कोई नहीं है. इट इज वेरी गुड टू मेक द चिल्ड्रन लाफ, बच्चों को हंसाना बहुत अच्छी बात है. लाफ्टर नाउन है ये. लाफ्टर ऊपर वर्ब है, नीचे नाउन है. लाफ्टर माने हंसी. इसका सेंटेंस भी बहुत जानदार है. लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन. हंसी से बढ़कर दुनिया में कोई दवा नहीं है. कॉमेडी शो आता है कपिल शर्मा जी का, जाने कितने कैंसर के रोगी उस कार्यक्रम को बैठ के देखा करते थे और हंसा करते थे. लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन. ठीक होने के, मरीजों के ठीक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं यदि वो हंसते हैं. लाफ एक्ट, लाफ एक्ट माने होता है मजाक उड़ाना, किसी की हंसी उड़ाना. लोग दूसरे की मजाक उड़ाने में कितना मजा लेते हैं देखें. मजाक उड़ाना, हंसी उड़ाना बहुत बुरी बात है. इट इज नॉट गुड टू लाफ एट ए हेल्पलेस पर्सन, एक मजबूर आदमी के ऊपर हंसना बहुत बुरी बात है. इट इज नॉट गुड टू लाफ एट समवन, किसी की मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं है. इट इज नॉट गुड टू लाफ एट एल्डरली पर्सन. एल्डरली पर्सन माने जो बड़ी उम्र के लोग हैं. एल्डरली पर्सन, बड़ी उम्र के लोगों को, बड़े बूढ़ों पर हंसना बहुत खराब बात है. लाफ एट ए जोक, जब कोई किसी की चुटकुले पर हंसे तो ध्यान रखे ये अंग्रेजी आएगी. लाफ एट ए जोक, ही लाफ्स एट माई जोक, वो मेरे चुटकुलों पर हंसता है. या शी लाफ्स एट माई जोक, वो मेरे चुटकुले पर हंसती है. चुटकुले पर या मजेदार कहानी पर हंसना. शी लाव्ड एट माई जोक, वो मेरे चुटकुले पर हंसी. शी विल लाफ एट माई जोक, वो मेरे चुटकुले पर हंसेगी. चिल्ड्रन ऑलवेज लाफ एट माई जोक, मेरे चुटकुले पर हमेशा बच्चे हंसते हैं. लाफेबल, लाफेबल माने हंसी के लायक, हंसी की बात. इट इज नॉट ए लाफेबल मैटर, ये कोई हंसी की बात नहीं है. इट इज नॉट ए लाफेबल मैटर, ये कोई हंसी की बात नहीं है. लाफ ऑफ, ये एक फ्रेजल वर्ब है और बेहद बेहद शानदार, रख लीजिए इसको. लाफ ऑफ किसी बात को, सीरियस बात को भी हंसी में उड़ा देना, वातावरण को हल्का रखने के लिए. किसी बात को हंसकर समाप्त कर देना या हंसी में उड़ा देना, लाफ ऑफ का अर्थ होता है. ओ डबल एफ है ये.
शी लव्ड ऑफ हिज कमेंट्स। किसी लड़के ने लड़की पर कमेंट किया लेकिन लड़की ने हंस के उड़ा दिया, हंसी में उड़ा दिया। शी लव्ड ऑफ हिज कमेंट्स, उसके कमेंट्स को, उसकी टिप्पणियों को उस लड़की ने हंसी में उड़ा दिया। आई लव ऑफ हिज रूडनेस, रूडनेस माने बदतमीजी। आई लव ऑफ हिज रूडनेस, मैंने उसकी बदतमीजी को भी, मैं उसकी बदतमीजी पे भी हंस देता हूं। यदि आपको पास्ट में बनाना है, आई लव्ड ऑफ हिज रूडनेस, मैंने उसकी बदतमीजी को भी हंसी में उड़ा दिया। लाफ के बाद ईडी लग जाएगा पास्ट में। लाफिंग स्टॉक, ये समझ ले कि कौन है। जैसे मानिए कोई ड्रेस पहन के आ गया, किसी ने अजीब सी ड्रेस पहन ली, अजीब सा हैट लगा लिया, मुंह को रंग लिया, या कुछ हंसी का पात्र। लाफिंग स्टॉक, हंसी का पात्र। मैं किसी की हंसी का पात्र नहीं बनना चाहता, जिसे सब देख के हंसें, ऐसा आदमी लाफिंग स्टॉक कहलाता है। आई डोंट वॉन्ट टू बी ए लाफिंग स्टॉक, मैंने यहां लाफिंग स्टॉक नहीं लिखा है, आप देख लें लाफिंग स्टॉक है इस जगह। आई डोंट वॉन्ट टू बी ए लाफिंग स्टॉक, मैं किसी की हंसी का पात्र नहीं बनना चाहता, मैं ऐसा आदमी नहीं बनना चाहता कि लोग मुझ पर हंसें, मेरी मजाक उड़ाएं। कैसी लगी मेरी वीडियो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।